प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु पहुंचे। यहां उन्होंने वेल्लोर और कोयम्बटूर के मेट्टुपालयम में जनसभा की, जहां उन्होंने डीएमके के परिवारवाद पर जोरदार हमला किया। कहा कि तमिलनाडु से डीएमके की अब विदाई हो रही है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब मोदी ने परिवारवाद पर किसी पार्टी को आड़े हाथों लिया हो। इस चुनाव में मोदी विरोधी गठबंधन को परिवार वाली पार्टियों का गिरोह कह रहे हैं। दक्षिण के गढ़ में लगते मोदी मोदी के नारे ये बताने को काफी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक देश के हर कोने में चलता है। तमिल सगोदर सगोदर के लिए। खुद मोदी भी जहां जाते हैं वहां की भाषा में रंग जाते हैं, वहां के परिधान में सज जाते हैं। मोदी आज तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। करप्शन पर तो डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। जिन प्रधानमंत्री को पूरी बीजेपी अपना परिवार बताती है, उन्होंने मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी गांधी परिवार के परिवारवाद पर हमला बोला था। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। वेलूर एयर कनेक्टिविटी। विपक्षियों के परिवारवाद से हटकर मोदी आज बीजेपी का परिवार दक्षिण तक बढ़ाते हुए नजर आए। मोदी को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच में जोश दिखा, वो बताता है कि उनका बढ़ता दायरा बीजेपी को दक्षिण के क्षेत्र में भी मजबूत पकड़ दिला सकता है। आज मैं देख रहा हूँ पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। दरअसल पिछले दो महीनों में मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं, जो कि बीजेपी को 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो भी किया था, जिसमें जनता की भीड़ दिखा रही थी कि कैसे मोदी का कद देश के हर कोने में बढ़ रहा है।